अनंत माथुर की बेटी का एक्सीडेंट हुआ है कल? कब, कैसे? रोड पे साइकिलिंग कर रही थी, कार से टकरा गई। और तुमने ये बात मुझे बताना ठीक नहीं समझा? जिन बच्चों को चोट लगती है उनके लिए टाइम ही कहाँ है आपके पास? तेरे लिए गिफ्ट है। किसके भेजा है? सीक्रेट है, कोई नाम नहीं है। संगीत हर दर्द की दवा है। Get well soon. Well, जिसने भी भेजा है बहुत सोच के और प्यार से भेजा है। पर मैं तुम्हें दे जरूर सकता हूँ कुछ। काश मेरी लाइफ में ऐसा कभी कोई दिन ना आए जो मुझे तुमसे कुछ लेना पड़े। अगर मूड बदल जाए तो 4 बजे जोइस कैफे में मिलना। अगर आपके पास टाइम है तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ प्लीज? कल रात मिलते हैं डिनर पे। श्योर। आना, कल रात मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो फोन पे तुम इतना एटीट्यूड दे रही थी कि अगर नहीं आती तो मानता। अपनी बकवास बंद करो और मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जो देना है तो। ओहो, आराम से, इतनी जल्दी क्या है? तुम क्या पियोगे, कॉफी या चाय? अच्छा वेट, ग्रीन टी। जी शट अप रेहान, तुम क्या कर रहे हो? ब्लैकमेल कर रहे हो? बताओ ऐसा क्या है तुम्हारे पास? पता, तुम हमेशा इतना गुस्सा रहा करो, बहुत अच्छी लग रही हो आज। ईगो हर्ट हो गया ना तुम्हारा कि सलोनी तुम्हें छोड़ के तरुण के पास चली गई। मूव ऑन रेहान, सलोनी की शादी हो गई है, वो बहुत खुश है, और प्लीज ये बदला लेना बंद करो। ए, दैट्स नॉट फेयर। मैं कमीना हूँ लेकिन इतना भी नहीं। पर ये बदला लेना, ब्लैकमेल करना, इट्स नॉट माय स्टाइल। अगर इतना ही कमीना होता तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये नहीं लेके आता। तुम्हारा ही है ना, लगता बहुत स्पेशल है। हेलो हाना, अच्छा अच्छा इट्स ओके, इट्स ओके यार। सॉरी, रोने की क्या बात है, इतना इमोशनल क्यों हो गई हो? मैं रो नहीं रही हूँ। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरी गाड़ी में गिरा हुआ था। अरे ब्यूटीफुल फेस पे ब्यूटीफुली तुमने जब पूल फेंक के मारे ना, आई थिंक तभी गिर गया होगा। इसीलिए कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, खुद ही को नुकसान होता है। बहुत स्पेशल है ना ये तुम्हारे लिए? किसी बहुत स्पेशल इंसान ने दिया। किस्मत वाला है। चलो एनीवे, मेरा तो पेट भर गया तुम्हारी गालियां सुनकर, तो मैं निकलता हूँ। रेहान। या? थैंक यू। हे गुप्ता अंकल, हाउ आर यू? हाउ आर यू रेहान? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? गुड। कोई इन्फॉर्मेशन लाए भी हो या मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? सर, मिसेज रेखा गुप्ता के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं लैला रायचंद को। बैंक मैनेजर अग्रवाल का मैसेज है तुम्हारे लिए, 3 करोड़ का चेक पास हो गया। इतना बहुत अच्छी तस्वीर खरीदी मैंने, बहुत बड़े कलाकार की है। आप? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों कैसे हो? तरुण का ख्याल रख रही हो कि नहीं? हाँ,
हाँ मॉम, मैं बहुत अच्छी हूँ और हम कल वापस आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। तुम्हें पता है तुम दोनों के लौटने का कितना इंतजार कर रही हूँ मैं। अच्छा मॉम, डैड कैसे हैं? अभी भी हमसे नाराज हैं क्या? नहीं नहीं सलोनी बेटा, तुम उनकी बिल्कुल चिंता मत करो, गुप्ता जी को मैंने संभाल के रखा है। हाँ, वो बिल्कुल नाराज नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो और तरुण का भी, और आराम से आना। अच्छा ठीक है, बाय बाय। बाय मॉम। झूठी सास की झूठी बहू के साथ झूठी झूठी बातें हो गई। आप भूल क्यों नहीं जाते? अभी भी दिल से कैसे भूल जाऊं मैं? क्या भूल जाऊं? मैं ये भूल जाऊं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये भूल जाऊं कि मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला, सब भूल जाऊं मैं। और ये भी भूल जाऊं कि तुम दोनों ने उस लालची लोमड़ी औरत, उस लैला रायचंद के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, सब भूल जाऊं मैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपसे कोई झूठ नहीं बोला हमने, और ना ही झूठ बोलने का कोई मकसद था हमारा। मकसद? वो लालची लोमड़ी औरत लैला रायचंद, उसका क्या मकसद है? दूसरों की दौलत से अपने घर को भरना, और उसके लिए अगर उसे अपनी दोनों बेटियों को, यू नो, ऑफ कोर्स, क्या नहीं? और तुम्हें पता है उसकी इस चाल को कामयाब करने में उसकी मदद किसने की? तुमने, यू। यकीन मानिए मेरा, ये कोई साजिश नहीं थी, मैं सिर्फ अपने बेटे बहू और उनके आने वाले बच्चे की खुशी चाहती थी और कुछ नहीं। मतलब आज तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, है ना? नहीं। हाँ, यही तो है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। क्या सुनूं मैं? अब देखो, सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो सुनना था वो मैं सुन चुका हूँ। अब ना मैं सिर्फ करूंगा। ओ हाँ, तुम्हें एक सलाह देता हूं, तैयार रहना, क्योंकि अब जो कुछ भी मैं करूंगा वो तुम्हारे बेटे और बहू के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब मेरी बात सुनिए मैम, मैंने सारे अकाउंट्स चेक कर लिए हैं और इस कर्जे से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। दीदी आपकी कॉफी। थैंक यू। मॉम कहाँ? मिस्टर मूर्ति के साथ हॉल में बैठी हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजर? जी। वो जो 3 करोड़ आए थे कर्जा चुकाने में निकल गए, बैंक अकाउंट खाली है और मार्केट में हमारी कंडीशन सबको पता है, इसलिए ना तो कोई लोन देगा और ना ही कोई एडवांस। अब आप ही बताइए मैम क्या करें। तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो मूर्ति, मुझे ना ही लोन की जरूरत है और ना ही किसी एडवांस की। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या प्लान है बोलिए मैम, मैं अभी उसकी मार्केट वैल्यू पता करवाता हूँ। मैं जीवन बीमा करवा रही, लाइफ इंश्योरेंस, चैन की जिंदगी जीना चाहती हूँ, कभी पैसे की कमी नहीं ना ही टेंशन। तुम्हारी नौकरी खतरे में है, तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइस मुझसे लेनी चाहिए। जाओ जाओ, जस्ट रिलैक्स, मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओके मैम। मैं जानती हूँ ये जीवन बीमा बेचारे अनंत जी हैं और मॉम का प्लान उनसे शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जीने का। आई होप मैंने अनंत जी को सच्चाई बताने में देरी नहीं कर दी। ये मुझे करना पड़ेगा पापा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा।
अनंत जी, ये बात मैं आपको इस तरह नहीं कहना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मैं कह नहीं पाती, इसीलिए लेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, पर ये आपको बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरी मॉम आपसे शादी करना चाहती है। इसीलिए नहीं क्योंकि उनको आपसे प्यार हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आपके पैसों से प्यार है, ऐशो आराम की ज़िंदगी से प्यार है जो आप उन्हें दे सकते हैं। वो अपनी सहूलियत के लिए आपसे शादी करना चाहती है। आप समझदार हैं, अपने फैसले खुद ही करेंगे। ये सलाह नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, बस आपको सच बताना चाहती हूँ। कल डिनर पे सबसे पहले अनंत जी को ये लेटर दे दूंगी। स्कूल नहीं जा सकती, मुझे चोट लगी है ना। तो फिर मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। तो फिर तुझे भी चोट लगानी पड़ेगी, आजा थप्पड़ मारती हूँ। तो मैं भी स्कूल नहीं जा रहा। मैं आज मेरे नए म्यूजिक बुक से पियानो प्रैक्टिस करूंगी। ओहो, न्यू म्यूजिक बुक। वो जो तेरे सीक्रेट एडमायर ने दिया, अब बता भी दे रोश, कौन है जो कांटों में फूल उगाने की कोशिश कर रहा है? बताना किसने दिया है? तुमने बताया वो ब्रेसलेट कहाँ से मिला? अरे मैंने बताया तो था। रोशनी देखो कौन आया है। बुआ। हेलो। कैसी है तू? मैं सुपर हूँ, और आप आ गए ना मैं और भी अच्छी हो जाऊंगी। बैठो बुआ, बैठो। तेरी जगह पे। हाँ हाँ बैठो। तुझे ज्यादा लग रहा तो नहीं? नहीं बुआ। मुझे भी फुटबॉल खेलते समय लग गया। अच्छा लग ही गया ना, मैच तो नहीं आ रहा? नहीं। नाक तो ठीक कटवाया? नहीं। और रेहान साहब, आप कब तक अकेले बैठे रहेंगे? गोली गोली लाएंगे कि नहीं? वो मैं बस शॉर्टलिस्ट कर ही रहा हूँ, बट यू नो थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों में। पहले इसका एमबीए तो कंप्लीट करने दो, लाइफ में कुछ करेगा तो ही लड़की पटेगी ना। इस औरत के मुंह पे चोट लगनी चाहिए थी बुआ, घर पे थोड़ी शांति रहती है ना। ही बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हो। तुमने मुझे बताया कि मेरी गुड़िया के एक्सीडेंट हुए? हाँ, यामिनी ने बताया तो पता चला। थैंक यू यामिनी, मगर एक शिकायत है। हाँ, सब कुछ हो गया, हॉस्पिटल से वापस आ गई गुड़िया, उसके बाद मुझे फोन किया। दिए तो यामिनी जी की आदत है, जब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तब वो बताती है, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। बुआ, आप यहाँ कब तक रुकने वाले हो? बस शाम तक, फिर वापस। तो फिर आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ओके। ये चलो बुआ, मैं आपको अपना वीडियो गेम दिखाता हूँ, बहुत औसम है। बुआ आप मेरा पियानो सुनो बुआ, प्लीज प्लीज बुआ मेरे साथ वीडियो गेम खेलना। अच्छा अच्छा, दोनों के सुनेंगे भैया, रुक जा। एक काम करते हैं, पहले किसका सुने, आपका ही इसका? और दी, जब इन दोनों का आपसे मन भर जाए तो थोड़ा वक्त मिलने भी निकालना। Why not? शाम को जल्दी आ जाओ, खूब बात करेंगे। आज शाम को नहीं, आज तो मेरा एक डिनर मीटिंग है। आप फिर से डिनर बाहर कर रहे हैं? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। दीदी का पियानो सुन ले पहले। दी आप रात को यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? हाँ अब रुक जाओ ना एक दिन के लिए, प्लीज वो, प्लीज 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 प्लीज। हाँ दी रुकने वाली, दी प्लीज। जरूर। ये आना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? I really love you, आना।
नीरव कहाँ जा रही हो? यूजुअली लड़कियों की सास मुझे देख के फूल जाती है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, घबराने की कोई बात नहीं है। यूजुअली लड़कियां पलट के देख के तुम्हें चली जाती हैं, दैट्स आल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। अरे छोड़ती नहीं है, तभी तो मुझे छोड़ के जाना पड़ता है। आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था यार, इट्स ओके। घर जा रही हो? लिफ्ट मिलेगी? क्यों, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? नहीं लिखा है। नहीं तो मैं हॉट लड़कियों से लिफ्ट कैसे मांगूंगा? कम ऑन यार, देखो बाहर बारिश हो रही है, आई मीन धूप है। अच्छा चलो यार, इतना गुस्सा मत हो यार, इट्स ओके। मतलब आज तुम मुझे लिफ्ट दे रही हो, कल तुम मुझे फूल दोगी और परसों अपना दिल दे दोगी, और डोंट वरी, मैं तुम्हें अपनी जान देने के लिए नहीं कहूँगा। तो मुझे ना खून खराब है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आया एक्चुअली। सपने देखना बंद करो, तुम्हारे पास 5 मिनट है, चलना है तो चलो, मैं बाहर मिलूंगी। जान देने वाली का तो पता नहीं, तुम्हारी जान लेने वाली बहुत मिलेगी। बस बुआ, आपने डैड को जाने क्यों दिया? हम सब साथ में डिनर करते, इतना मजा आता। रोस्टेलिन, तुम भूल रही हो, वो तुम्हारी डैड है, तुम उसकी मॉम नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही करती है। पर बुआ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं डैड की पेरेंट हूँ, मुझे उन्हें सबसे संभाल के रखना पड़ता है। वो इतने इनोसेंट है ना बुआ, किसी के भी आदमी यकीन कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मन में कोई बात है और इस दिमाग के अंदर एक खिचड़ी पक रही है, जरा जल्दी से बता दे बेटा, नहीं तो सर दर्द हो जाएगा। बुआ, वो डैड की फ्रेंड है ना, लैला रायचंद। कौन? राहुल रायचंद की बीवी? वो डैड से शादी करना चाहती है, इसलिए तो मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट हूं ना बुआ। कौन सी सीरियल देख रही है तू आजकल? हाँ, नॉट जोकिंग। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रेस है। आना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? I really love you, Anna. गुनगुनाने पर मजबूर कर देगी, और जब ऐसा होगा तो प्लीज आना, तुम उससे शादी कर लेना। आप बहुत परेशान लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप कुछ बहुत गहरा सोच रहे हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। अरे हाँ, तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी ना, पहले तुम बोलो फिर मैं तुमसे। नहीं, आप हमेशा मुझे पहले मौका देते हैं, तो इस बार आप पहले। आप क्या देना चाहते हैं मुझे? एक्चुअली कल रात से ये सोच रहा था कि क्या, आई रियली डोंट नो how to start, but it's all blank. सब दिमाग से गायब हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। नो नो नो, प्लीज गॉड नो। अनंत जी प्लीज ये मत कहिएगा कि आप मेरी मॉम से शादी करना चाहते हैं। आना, क्या
तुम मुझसे शादी करोगे। जीने भी दे दुनिया ने इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते कोई हसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपना, ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुमा। I love you, Anu. मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry, Anna. भूल जाओ कि ये मैंने कहा था। I'm really sorry, Anna. Please. I love you, Anna. मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry, Anna. भूल जाओ कि ये मैंने कहा था। I'm really sorry, Anna. Please.